हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं शालू शर्मा आप लोगों का स्वागत करती हूँ Study24 ऑफिशियल ग्रुप में, और आपके सामने एक न्यू यूजफुल वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, कि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो वैकेंसीज निकालती रहती है, उनके नोटिफिकेशंस को लेके मैं आपके सामने आती रहती हूँ। तो एक बार फिर मैं आपके सामने एक ऐसा ही बेनिफिशियल, इंफॉर्मेटिव, यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। मिनिमम चार्जेस हैं यहाँ पर। साथ ही साथ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल्स को भी जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और वहाँ पे सभी नोटिफिकेशंस को अपलोड भी कर दिया जाता है, सो डेट आप उनसे और भी डिटेल ले सकें। दोस्तों, आप लोगों ने टाइटल में देखा ही है आज का वीडियो किसके बारे में है। सो दोस्तों, इस वैकेंसी को आउट करने वाला जो शहर है, सॉरी जो सिटी है, शहर है, वो NCR के अंदर आता है। जी हाँ दोस्तों, NCR में आने वाले एक शहर ने ये वैकेंसीज आउट की हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि मैं फुल डिटेल में बताने वाली हूँ उन वैकेंसीज के बारे में। साथ ही साथ उस सिटी का नाम भी बताऊंगी जहाँ पे इन वैकेंसीज को आउट किया गया है। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, ताकि आपकी एक भी इंफॉर्मेशन मिस ना होने पाए। सो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं बात कर रही थी जिस वैकेंसी की, वो है ESIC, यानी कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर वर्क करती है। और ESIC के द्वारा दी गई मेडिकल फैसिलिटीज का फायदा हमारे इंडिया की एक बहुत आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उठाता है उसका फायदा। जी दोस्तों, तो ये एक ऐसा कहना चाहूंगी, एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू जो गरीब तो नहीं, जो निचले वर्ग के लोग हैं, या जो अपने लिए स्वास्थ्य सेवाओं को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं मेडिक्लेम के थ्रू, वो सब यहाँ पर अपना इलाज करवा सकते हैं दोस्तों। चलिए, अब मैं बात करती हूँ शहर की, कि NCR का कौन सा शहर है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं फरीदाबाद। फरीदाबाद से ये वैकेंसीज आउट की गई हैं दोस्तों। आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं वो देख लेते हैं। इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन है दोस्तों, तो समझ जाइए कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब होने वाली है, रिटर्न जॉब नहीं है। विजिटिंग और एडजंक्ट फैकल्टी के लिए जॉब निकाली गई है, वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि 26/5 यानी कि 26 मई को इंटरव्यू होगा। सामने पहले ही इन्होंने डेट यहाँ मेंशन कर दी है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं पोस्ट की, एज लिमिट की और क्वालिफिकेशन की। तो एडजंक्ट फैकल्टी और विजिटिंग फैकल्टी के लिए पोस्ट निकाली गई है। उम्र जो है वो 67 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बात करें अगर जनरल डिसिप्लिन की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो सबसे पहले एक रिकॉग्नाइज मेडिकल क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएशन होना है, सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जो कि MD यानी कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, या फिर MS यानी कि मास्टर ऑफ सर्जरी के इक्विवेलेंट हो। बात करते हैं अनुभव की, तो 8 साल का अनुभव मांगा गया है फ्रेंड्स, जो कि PG डिग्री के मिलने के बाद का हो, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद 8 साल तक कैंडिडेट ने कहीं काम किया हो, तब वो यहाँ अप्लाई कर सकता है। बात करते हैं स्कोप ऑफ वर्क की, तो जो विजिटिंग फैकल्टी है उनको एक सेशन में 3 घंटे तक वर्क करना है। वर्क से मतलब जो भी उनका एक सेशन होगा वो 3 घंटे का कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही साथ जो विजिटिंग फैकल्टी है, दिस शैल नॉट बी इन्वॉल्व, उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा डिपार्टमेंट के किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में। ठीक है फ्रेंड्स, वो बस कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, तो जो उनका काम है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव काम में नहीं शामिल करेंगे। साथ ही साथ उनको रिप्लेस नहीं कर सकते फुल टाइम फैकल्टी के साथ। ये चीज़ यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दी गई है। कुछ यहाँ पे नोटिस दे रखा है वो मैं आपको बता देती हूँ, कि एक्सपीरियंस, जी हाँ एक्सपीरियंस जो है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एक रिकॉग्नाइज मेडिकल काउंसिल का होना चाहिए इंडिया की, वो ही एक्सपीरियंस यहाँ माना जाएगा। ये नहीं कि आपने कहीं भी काम किया और आप उसको अपने एक अनुभव के तौर पे दिखाएंगे, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे सिलेक्शन के लिए दे रखा है कि जो सिलेक्शन होगा वो प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, जिसको कि टर्मिनेट भी किया जा सकता है 1 मंथ का नोटिस देने के बाद, अगर कोई गलती या कुछ दिक्कत होती है तो। डिटेल्स और एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ वेबसाइट दे रखी है, यहाँ से उसको डाउनलोड करना है, पहले ही इन्होंने यहाँ मेंशन किया है। और 26/5 को 9 बजे के आसपास जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं दे शुड रिपोर्ट, उनको वहाँ रिपोर्ट करनी है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे और देयर आफ्टर इंटरव्यू विल बी शेड्यूल्ड, उसके बाद इंटरव्यू होगा। ये चीज़ यहाँ पे पहले ही मैंशन की है। उम्र के लिए, सॉरी एज के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 67 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बात करते हैं पे और अलाउंस के लिए दोस्तों, सो यहाँ मेंशन है डायरेक्टर और प्रोफेसर के लिए 6,000 रुपीज़ पर डे और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 4,000 रुपीज़ पर डे मिलेंगे। अब अप्लाई कौन कौन कर सकता है, ऊपर जो क्वालिफिकेशन है वो तो करेंगे ही करेंगे जिनके पास है, इसके अलावा और कौन कौन है, जो रिटायरीज हैं फ्रॉम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर के अंडर जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, PSU वाले लोग वो अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। इसके अलावा जो रिकॉग्नाइज्ड और अप्रूव्ड प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं दे आर ऑल्सो एलिजिबल, वो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं इफ दे वॉन्ट। इसके अलावा जो कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे उनके लिए यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें उनको अपने साथ वहाँ पे सबमिट करानी है। सो उनको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, जो भी रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, टेस्टिमोनियल आपको पता ही होगा, बर्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, पेंशन, टीचिंग एक्सपीरियंस जो भी है, वो सब भी अटैच करके देना जरूरी है। ये चीज़ भी यहाँ मेंशन की गई है दोस्तों। अब बात करते हैं टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स की शर्तें क्या क्या रखी गई हैं। तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो पूरे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखे जाएंगे, उनका जो कार्यकाल होगा मैक्सिमम पीरियड वो होगा 1 साल का, जिसको कि परफॉर्मेंस के बेस पे आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत आती है तो, 1 महीने का नोटिस देकर। इसके अलावा जो ये कंडीशंस हैं उनको चेंज भी किया जा सकता है बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू, ये भी टाइम टू टाइम कर सकते हैं, यहाँ मेंशन है। इसके लिए आपको वेबसाइट पे विजिट करते रहना चाहिए, ESIC की वेबसाइट पे। बात करते हैं कि क्या क्या टेस्टिमोनियल्स एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो 2 आपकी पासपोर्ट साइज की फोटोज होनी चाहिए, 2 कॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स मैंने ऊपर ही बता दिया था आपको, टेस्टिमोनियल, वो सब एज प्रूफ, डेट प्रूफ, एजुकेशनल वगैरह, रिसर्च का जो भी एक्सपीरियंस है, ये सब भी यहाँ पे सबमिट करना जरूरी है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो भी कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पे डीन ऑफिस में ESIC मेडिकल कॉलेज के, समय दे रखा है 11 AM से 4 AM और फ़ोन नंबर भी है। फॉर एनी क्लैरिफिकेशन, अगर कोई कन्फ्यूजन है या कुछ क्लियर करना चाहते हैं तो दे कैन कॉन्टैक्ट, अदरवाइज वो मेल भी कर सकते हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी भी दे रखी है दोस्तों। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, कि सिलेक्ट कैसे किया जाएगा कैंडिडेट को। तो पहले ही पता है वो चीज़ मैंने आपको ऊपर ही बता दी थी, सिलेक्शन के लिए यहाँ पर होने वाला है इंटरव्यू, इंटरव्यू के बेस पे यहाँ सिलेक्शन होगा और जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे उनका जो नेम है, जो रिजल्ट है, वो ईमेल या SMS के थ्रू बताया जाएगा, वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले कर दिया जाएगा दोस्तों। और जो भी सिलेक्ट होंगे कैंडिडेट दे विल हैव टू ज्वाइन इमीडिएटली, उन्हें तुरंत ज्वाइन करना होगा, ऑफर लेटर जैसे उनका मिलेगा, अपॉइंटमेंट लेटर उसके बाद। अब बात करते हैं कुछ जनरल कंडीशंस की। सो फ्रेंड्स, ये तो नॉर्मल कंडीशंस हैं जो कि हर फॉर्म में सेम होती हैं, कि अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या कुछ रॉन्ग डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो आपके कैंडिडेचर को उसी समय कैंसिल कर दिया जाएगा, ये यहाँ पहले ही बता दिया गया है। साथ ही साथ जो इंटरव्यू होगा वो डीन ऑफिस ESIC मेडिकल कॉलेज के NS3 पे होने वाला है फरीदाबाद में, यहाँ पे उन्होंने वेन्यू भी बता दिया है। साथ ही साथ ये भी बताया है कि ESIC के पास ही सारे राइट्स रिजर्व हैं, अगर वो चाहे तो कोई भी चेंज कर सकती है किसी भी चीज़ के अंदर, चाहे फिर वो टाइमिंग हो, वेन्यू हो या कुछ भी हो। बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की दोस्तों, तो यहाँ लिखा गया है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको 1 आवर बिफोर, 1 घंटा पहले इंटरव्यू वेन्यू पे पहुँच जाना चाहिए। और ESIC रिजर्व द राइट टू कैंसिल, मैंने आपको पहले बताया था सारे राइट यहाँ पे रिजर्व हैं,
अगर वो चाहें तो कोई भी चेंजेस किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं। सो द मेन थिंग इज कि आप टाइम टू टाइम इनकी वेबसाइट पे विजिट करते रहें। अब दोस्तों यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है जो कि कैंडिडेट्स को फिल करना है, जिससे जो उनकी जानकारी है वो पता चल सके कि नेम वगैरह जो पर्टिकुलर्स वो अपने फिल करेंगे, ये जरूरी है भरना हर कैंडिडेट्स को, सारी चीज़ें जिससे उनकी पता लगेंगी जी। इसके बाद यहाँ पे और दे रखा है क्वालिफिकेशन के लिए, कौन सी यूनिवर्सिटी से कब किया, क्या क्वालिफिकेशन, क्या मार्क्स रहे। नेक्स्ट फॉर्म जो है वो दे रखा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, कहाँ काम किया, कौन से इंस्टीट्यूशन में कितने साल काम किया, ये सब चीज़ें भी पता होना जरूरी है दोस्तों। और जो नेक्स्ट फॉर्म है दोस्तों वो दे रखा है रिसर्च के लिए, अगर उन्होंने कोई रिसर्च किया है बाई चांस तो वो किसी जर्नल में पब्लिश हुआ है, कब पब्लिश हुआ है, क्या टाइटल रहा है, तो ये सब चीज़ें अगर कैंडिडेट के पास है तो वो इनको फिल जरूर करें। ये ट्रेनिंग हुई है तो कौन से इंस्टीट्यूट में हुई है, किस फील्ड में हुई है, कितने समय के लिए हुई है, ये सब चीज़ें फिल करके देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इन सब चीज़ों को फिल करके दिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, तभी इंटरव्यू के लिए आगे उनका शेड्यूल वगैरह जो भी है सिलेक्शन जो है वो ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले उनकी जो डिटेल्स पहुंचेगी उसी के बेस पे नंबर बाय नंबर जो लिस्ट तैयार की जाएगी इंटरव्यू के लिए वो इसी बेस पे होगी। तो दोस्तों ये जो शेड्यूल इन्होंने यहाँ फॉर्म भेजा है उसके साथ साथ ये जो जानकारी है वो सब जो भी कैंडिडेट्स हैं वो जरूर फिल करें। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इससे मिली जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। सो प्लीज़ दोस्तों आप इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें और लाइक करें। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, जिससे आपको कुछ हेल्प मिल सके दोस्तों। तो जाने से पहले कहना चाहूंगी कि आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पे ये न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन वीडियोस मिलते रहें। जाने से पहले दोस्तों कहना चाहूंगी कि आप लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से स्टडी करें। बाय बाय दोस्तों।